नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अल्गोक्रैब के वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि पेटीएम के थ्रू आप किस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हो ऑटोमेटिकली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी चार्टिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू हो गया, MT4 हो गया या और कोई चार्टिंग टूल हो गया, उसके थ्रू आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा MT4 से, और मैं आपको दो अलग अलग चीज़ें दिखाऊंगा कि आप चार्ट से किस तरीके से सिग्नल भेज सकते हो और ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक किस तरीके से ट्रेड होगा। ठीक है, तो ये वीडियो में सेमी और फुली दोनों ऑटोमेटिक ट्रेडिंग मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें, और जिन यूज़र ने हमारा Part 1 का वीडियो नहीं देखा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक होगा उस पर क्लिक करके पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था कि साइन अप करने से आपको यहाँ पर डिटेल फिल करने से 6 दिन का ट्रायल मिलेगा। ठीक है, और जब साइन अप करके आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके की स्क्रीन आएगी, इस पर आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको ऑथेंटिकेट करना है अपने आप को ऑथेंटिकेशन के टैब में जाके। यहाँ पर आपको ब्रोकर सेलेक्ट करना है, पेटीएम ब्रोकर है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर प्लेस करना है और उसके बाद अपडेट करना है। ठीक है, मोबाइल नंबर वही डालना है जो कि आपका पेटीएम अकाउंट में है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप इसको अपडेट कर, यहाँ पर एक टोस्ट आएगा, उस पर लिखा होगा क्रेडेंशियल अपडेटेड सक्सेसफुली। टोकन मैंने पिछले वीडियो के लिए ऑलरेडी ले रखा है, लेकिन फिर से मैं दोबारा एक्सेस टोकन पर क्लिक करता हूँ। गेट एक्सेस टोकन पर क्लिक करने के बाद ये इधर गया, यहाँ पर मुझे अपना ID और पासवर्ड डालना है पेटीएम मनी का। जब मैं ID पासवर्ड डालूंगा तो इस तरीके से मेरे से पिन मांगेगा। अब यहाँ पे मैंने पिन भी डाल दिया जो मैंने जनरेट किया था। अगर पिन डालने के बाद ये वापस इस वेबसाइट पर हमें लेके आता है, यानी कि AlgoCrab पे वापस लेके आता है, इसका मतलब हमारा टोकन हमें करेक्टली मिल गया और टोकन वैलिड भी होगा। वैलिडेशन चेक करने के लिए हम ऑथेंटिकेशन पे दोबारा आ सकते हैं और टोकन वैलिड पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट टोकन पे क्लिक करेंगे तो एक्सेस टोकन वैलिड दिखा रहा है। अब ये जो प्रोसेस मैंने किया है दोस्तों, ये 1 मिनट का प्रोसेस है। आप चाहे तो इसे मोबाइल से कर सकते हो, चाहे तो आप इसे डेस्कटॉप से कर सकते हो। ठीक है, 2 मिनट से ज़्यादा आपको ये सब काम करने में नहीं लगेंगे और आराम से आप इस चीज़ को परफॉर्म कर पाएंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक भी दिन टोकन नहीं लिया तो आपका उस दिन पर्टिकुलर दिन ट्रेड नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार आपको फोकस कर रहा हूँ इस चीज़ पर। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोसेस कंप्लीट, ऑथेंटिकेशन हो गया, टोकन वैलिड हो गया, फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया। सेकंड टास्क क्या है कि हमें MT4 में इंडिकेटर इंस्टॉल करने हैं। अगर आप MT4 के बारे में नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। MT4 मतलब MetaTrader 4। ये एक ट्रेडिंग कम चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। फॉरेक्स मार्केट में इसको ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, बट इंडियन मार्केट में क्योंकि MT4 अलाउड नहीं है, तो इसको हम ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बल्कि चार्टिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें अलग अलग थर्ड पार्टी वेंडर से डेटा आता है, जिस डेटा को इम्प्लीमेंट करने के बाद आप इसको एज अ चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। ये मेरी स्क्रीन पे आप देख पाएंगे, ये जो सॉफ्टवेयर अभी आप देख रहे हैं ये है MetaTrader 4 का सॉफ्टवेयर। इसमें आपको बाकायदा चार्ट्स मिलते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम मिलते हैं, जिस तरीके के ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे सुविधा मिलती है वैसी सुविधा मिलती है इसमें भी। इसमें एक चीज़ खास होती है कि इसमें आप बाहर से भी इंडिकेटर डाउनलोड करके लगा सकते हो, जो कि आप ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते। कोई भी इंडिकेटर अपना मनचाहा आप बनवा सकते हो और इसमें लगा सकते हो। कोई भी किसी भी लॉजिक पे आप इंडिकेटर डेवलप करा सकते हो। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है जिसपे आप डेवलप कराना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें मैंने लॉग इन किया हुआ है। अगर आपके पास चार्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं है और आपको चार्टिंग प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो भी आप हमें कॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको आना है नेक्स्ट में, ब्रिज टूल में। ठीक है, ब्रिज टूल जो है वो हमारा ब्रिजिंग का टूल है, यानी कि ये कनेक्ट करता है चार्टिंग प्लेटफॉर्म और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को एक साथ। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे MT4 ब्रिज लिखा है, यूनिवर्सल ब्रिज लिखा है। अगर आप MT4 ब्रिज पर जाएंगे तो आपको इस तरीके से कार्ड्स दिखाई देंगे। अगर आप यूनिवर्सल ब्रिज पर जाएंगे तो आपको इस तरीके से स्क्रीन में दिखाई देंगी कुछ फ्रीबीज, यानी कि ट्रेडिंग व्यू पे फ्रीबी कुछ फ्री इंडिकेटर्स, जैसे 2MA क्रॉसओवर, हाइकनैशी, सुपर ट्रेंड, MACD, पैराबोलिक सार, RSI। अगर आप इन इंडिकेटर्स पर काम करते हो तो यहाँ से आप कोड कॉपी करके यूज कर सकते हो। ऐसे ही एमई ब्रोकर की कुछ फ्रीबीज है, यानी कि 2MA क्रॉसओवर, RSI, सुपर ट्रेंड, MACD, VWAP। अगर आप इन पर ट्रेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू, अब अभी हम बात जो करने वाले हैं वो MT4 के बारे में करने वाले हैं। तो MT4 ब्रिज में यहाँ पर ओपन कर रखा है। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि आपको MT4 का इंडिकेटर किस तरीके से डाउनलोड करना है। एक चीज़ और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंटली बता देता हूँ, अगर आप कभी ऐसा ना करने लगे कि आप गूगल से जाके इंडिकेटर डाउनलोड करें और सोचें कि वो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। उसके लिए कॉम्पैटिबिलिटी करनी पड़ती है। कॉम्पैटिबिलिटी के लिए 1 टाइम डेवलपमेंट चार्ज लगता है, जो कि 4 to 6,000 के बीच होता है। नई कोई स्ट्रेटजी बनानी है तो भी उसका चार्ज इतना ही होता है। अब यहाँ पर हमने एक मार्केट प्लेस का सेक्शन दिया है, जिस सेक्शन में आपको दिख रहा है कि अलग अलग स्ट्रेटजीज है और उस स्ट्रेटजीज के बारे में डिटेल भी दे रखी है, जैसे कि टाइम रेंज ब्रेकआउट, ये पेड स्ट्रेटजी है, सेमी एल्गो ट्रेडिंग पेड स्ट्रेटजी है,
यहाँ पे फ्री स्ट्रेटजी है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, जिसको आप यूज कर सकते हैं। हाफ ट्रेंड इंडिकेटर, बहुत सारे लोग MT4 में जो ट्रेड करते हैं वो हाफ ट्रेंड इंडिकेटर को यूज करते हैं, तो अगर आप हाफ ट्रेंड इंडिकेटर पे ट्रेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाई कैनेशियन सुपर ट्रेंड, यानी कि ऑन हाई कैनेशी चार्ट पे सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर, अगर वो भी आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्री में यूज कर सकते हैं। उसके बाद है MACD इंडिकेटर और यहाँ पे RSI का इंडिकेटर, कॉम्बो भी है, अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। तो अब मैं आपको आज जिस पे काम करके दिखाऊंगा वो दो हैं, एक तो इजी ट्रेडिंग सिस्टम से करके दिखाऊंगा और एक मैं आपको सुपर ट्रेंड से करके दिखाऊंगा, ठीक है। सुपर ट्रेंड भी बहुत वेल नोन इंडिकेटर है, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर्स को डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले इजी ट्रेडिंग डाउनलोड कर दिया और ये सुपर ट्रेंड भी डाउनलोड कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर शो इन फोल्डर में जाऊंगा और इन दोनों इंडिकेटर्स को कॉपी कर लूंगा, ठीक है। ये दोनों इंडिकेटर मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मुझे जाना होगा MT4 में, ठीक है। MT4 में जाने के बाद मैं यहाँ पे फाइल में गया, ओपन डेटा फोल्डर में गया। जैसे ही मैं ओपन डेटा फोल्डर में जाऊँगा यहाँ पे मुझे MQL के नाम से फोल्डर मिलेगा और यहाँ पर इंडिकेटर्स के नाम से फोल्डर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे चलिए एक फोल्डर बना लेते हैं, फोल्डर का नाम मैं लिख देता हूँ पेटीएम मनी। ये मैंने इसको फोल्डर दे दिया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये दोनों इंडिकेटर्स को। अभी दोनों इंडिकेटर यहाँ पे पेस्ट हो गए। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप देखेंगे अभी आपको ये दिखेगा नहीं, ठीक है। आपको राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना है। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको जो है ना वो दिख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये फोल्डर का नाम पेटीएम मनी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये हो गया पेस्ट इंडिकेटर। इसके अलावा एक छोटी सी सेटिंग करनी होगी, टूल्स में जाना होगा, ऑप्शंस में जाना होगा और यहाँ पर आपको एक्सपर्ट एडवाइजर का टैब में जाना होगा। ये एक्सपर्ट एडवाइजर का टैब है, इसमें यहाँ पर एक सेक्शन है अलाउ DLL इम्पोर्ट, इसको आपको टिक करना होगा, चेक करना होगा। अगर ये टिक नहीं होगा तो ट्रेड नहीं होगा, आपको एरर दे देगा, DLL इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आप जाएंगे देखेंगे ये दोनों इंडिकेटर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सेमी एल्गो दिखाता हूँ। सेमी एल्गो में क्या करना है कि यहाँ पर हमने ये ब्रिज का इंडिकेटर है इसको ओपन किया, इसमें कुछ डिटेल मांग रहा है, एल्गो क्रैब का ईमेल, पासवर्ड, यूजर की, इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। अभी चारों डिटेल हमें कहाँ से मिलेंगी, ये हमें मिलेंगी एल्गो क्रैब के प्लेटफॉर्म से। हमें क्या करना होगा, MT4 ब्रिज में जाना होगा, यहाँ पर एक सिंबल क्रिएट करना होगा। मुझे ट्रेड करना है टाटा मोटर्स में, यहाँ पर टाटा मोटर NSE मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने इसको सेव चेंजेस पे क्लिक किया। जैसे ही सेव चेंजेस पे क्लिक किया यहाँ पर टाटा मोटर्स का एक कार्ड बन के आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पे से इसको कॉपी करना है यूज़र की और इंस्ट्रूमेंट की को, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसको पेस्ट करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंडिकेटर पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम अपनी एल्गो क्रैब की डिटेल डालेंगे, जो भी हमारे एल्गो क्रैब का लॉगिन ID पासवर्ड है वो हम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद हमें यूज़र की और इंस्ट्रूमेंट की डालनी है। यूज़र की हमें कहाँ से मिलेगी, मैंने आपको बताया था यूज़र की मिलेगी यहाँ से, इसको कॉपी करा और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट की चाहिए, इंस्ट्रूमेंट की हमें कहाँ से मिलेगी, वो भी हमें वहीं से मिलेगी, ठीक है। इसको भी कॉपी किया यहाँ से पेस्ट कर दिया। अब ये सिंबल यहाँ पे लिंक हो जाएगा इसके बाद, ठीक है, ये हमने कर दिया। इसके बाद हमें यहाँ पे MIS करना है, MIS कर सकते हैं, SENC करना है, CNC कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर टाइप भी आपको रेगुलर BO CO यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ट्रेड टाइप, मार्केट लिमिट सब मिल जाएगा। ब्रैकेट ऑर्डर करोगे तो ब्रैकेट ऑर्डर के स्टॉप लॉस टारगेट डाल सकते हो, कवर ऑर्डर करोगे तो कवर ऑर्डर का स्टॉप लॉस डाल सकते हो, कितने प्राइस पे ट्रेड करना है वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हो अगर आपको डालना है तो। अगर आपको प्राइस नहीं डालना, वो यहाँ पे डायरेक्ट मार्केट पे ट्रेड करना है तो मार्केट के ट्रेड में प्राइस डालने की जरूरत नहीं होती। स्टॉप लॉस टारगेट भी एनेबल कर सकते हो अगर चाहते हो तो। अभी फिलहाल मैं इसमें से कुछ नहीं कर रहा। अब यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। अप्लाई करने के बाद ये चार्ट में यहाँ पे स्क्रीन में दिखने लगेगा, ठीक है। अब ये स्क्रीन में आप देख सकते हो, स्क्रीन में दिख रहा है। अब हमें क्या करना होगा, हमें टाटा मोटर में ट्रेड करना है तो टाटा मोटर का सिंबल हमें सर्च करना होगा। ये टाटा मोटर्स का फ्यूचर का सिंबल है, टाटा मोटर्स कैश का सिंबल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये कैश का सिंबल है, ये टाटा मोटर का सिंबल मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसको यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया चार्ट में, ठीक है। 413 रुपये समथिंग पैसे इसका रेट चल रहा है। अब मान लीजिए मुझे एक शेयर में ट्रेड करना है या दो शेयर में ट्रेड करना है तो मैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, दो लिखने के बाद। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ दोस्तों कि टर्मिनल जो विंडो है, नीचे की जो विंडो है ये टर्मिनल विंडो बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आती कहाँ से, व्यू में जाके टर्मिनल से आ जाती है या फिर कंट्रोल टी प्रेस कर सकते हो। टर्मिनल विंडो में अगर आपका ट्रेड होगा या आपका ट्रेड नहीं होगा उसकी प्रॉपर जानकारी मिलेगी, ठीक है। अब क्या होगा, बाय करना है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे सिंबल स्टार्टेड होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने सिंबल को स्टार्ट कर दिया, जैसे मैं सिंबल को, ठीक है, सिंबल यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब ट्रेड करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे बाय का बटन प्रेस करना होगा, ठीक है। जैसे मैं बाय का बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने बाय का बटन प्रेस किया इसने यहाँ पे मुझे दे दिया फ्रेश ट्रेड हो गया 413 रुपये 55 पैसे में ट्रेड हो गया। अब ट्रेड की कंफर्मेशन करने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, हम या तो हम पेटीएम मनी के अकाउंट में जा सकते हैं या हम डायरेक्ट यहाँ पे ब्रोकर पैनल में जा सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर बुक देखेंगे, आप ऑर्डर बुक में आपको दिखाएगा, ये देखो टाटा मोटर का बाय हो गया, ठीक है, ट्रेड कन्फर्म आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आ गया सम। यहाँ पर अगर हम जाके देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है हमारा नेट क्वान्टिटी 2
बाय करिए, 70 पैसे का इसमें प्रॉफिट हो रहा है, अभी 80 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। अब मान लीजिए हमें लगता है कि प्रॉफिट हमारे लिए सफिशियंट है और हमें ट्रेड को क्लोज करना है, तो दो तरीके हैं हमारा। पहला, यहाँ पर हम क्लोज बाय पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे ही हम क्लोज बाय पे क्लिक करेंगे बाय की ट्रेड क्लोज हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि हम एल्गो क्रैप पे जाके जो हमारा ब्रिज टूल है यहाँ पर आके हम इसको स्क्वायर ऑफ का बटन प्रेस कर सकते हैं। ये ग्रीन कलर का जो बटन है ये स्क्वायर ऑफ का बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो ट्रेड हमारी ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे लिख दिया इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड एंड स्क्वायर ऑफ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाके देखेंगे ना अपनी ट्रेड को, तो ये देखिए आप यहाँ पे जीरो हो गया, अभी नेट क्वांटिटी जीरो, 400 समथिंग कुछ यहाँ पे 90 पैसे के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। ये तो था कि किस तरीके से आप मैन्युअली इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो अगर आपको सेमी ऑटो ट्रेडिंग करनी है, यानी कि चार्ट में आप देख रहे हो कोई भी, आपने स्टडी लगाई है मूविंग एवरेज, MACD, RSI, कुछ भी आपने इंडिकेटर लगा रखा है और आपको लगता है कि अभी बाय बन गया, तो आप बाय का बटन तुरंत प्रेस कर सकते हो। तो ये जो सेटिंग थी ये ज़्यादा लेंथी नहीं है, 2 मिनट में हो जाएगी, और ये आपको उस वक्त नहीं करनी जब आपको ट्रेड करना है, आप इसको पहले से ही करके रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये तरीका है, क्योंकि नॉर्मली अगर मान लीजिए आप चार्ट में देखते हैं, चार्ट में सिग्नल आया और चार्ट के सिग्नल को आप अगर ट्रेडिंग अकाउंट में फिर जाते जाके ट्रेड करते हैं तो उसमें वक्त लगता है, उसमें टाइम लगता है। यहाँ पे तो सीधा बटन प्रेस किया आपने, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 1 सेकंड का वक्त लगेगा आपका, तो 1 सेकंड का वक्त लगेगा वो बहुत कम है। मैनुअली आप ट्रेड करने जाएंगे तो जब आप इसको मिनिमाइज करेंगे, फिर आप अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे, फिर बाय का बटन प्रेस करेंगे, फिर सारी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, फिर बाय का बटन दबाएंगे, तो उसमें वक्त लग जाएगा। तो ये भी एक आसान तरीका उन लोगों के लिए जो चार्टिंग करते हैं, जो सिर्फ जो ऑनलाइन बैठ के पूरा दिन चार्ट देखते हैं और चार्ट देख के ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बहुत आसान है, ठीक है। ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरे तरीके पे बात करते हैं। दूसरे तरीके में मैंने आपको बताया कि मैं आपको दिखाऊंगा सुपर ट्रेंड के थ्रू, ठीक है। तो अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे क्या है कि अभी मेरे को वीडियो बनाना है, वीडियो की ड्यूरेशन भी ध्यान में रखनी होगी। तो अगर मैं इसमें एक लॉन्ग पैरामीटर्स यानी कि यूनिवर्सल पैरामीटर जो मोस्टली यूज़ करते हैं लोग, अगर मैं वो वाला लगाऊंगा तो क्या होगा कि ना सिग्नल काफ़ी टाइम बाद आएगा, मतलब जरूरी नहीं है कि आज आए भी। मार्केट अगर एक ट्रेंड में होती है तो कई बार सिग्नल नहीं आता। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम कर रहा हूँ, और एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि जो ये मैं स्टैटिंग्स वगैरह लगा रहा हूँ और जिस तरीके से मैं सिग्नल जनरेट कर रहा हूँ, वो सिर्फ एक तरीका है आपको जल्दी से सिग्नल जनरेट करके दिखाने का। आपको उस पर्टिकुलर सेटिंग पे कोई ट्रेड नहीं करना, क्योंकि वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा, और एक दिन में आपकी 200-300 ट्रेड हो जाएंगी, फिर आप कहेंगे कि ये किस तरीके से हो गया मेरा ट्रेड इतना ज़्यादा क्यों, ठीक है। तो ये आपको करना नहीं है, मैं सिर्फ आपको प्रोसेस के लिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप नॉर्मली करेंगे तो किस तरीके से सिग्नल जनरेट होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ATR मल्टीप्लायर कुछ लगाया और टारगेट मैंने इसको ट्रू नहीं किया, फॉल्स रखा है, मतलब कि मैं कोई टारगेट नहीं रख रहा। मान लीजिए आप टारगेट रखना चाहते हैं तो आप टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 पॉइंट का टारगेट लग दिया, यहाँ पे ट्रू कर दिया मैंने स्टॉप लॉस को भी, यहाँ पे भी मैंने 5 पॉइंट का कर दिया। अब यहाँ पे हमें फिर से डिटेल डालनी होगी एल्गो क्रैप की। मैं एल्गो क्रैप की डिटेल डाल रहा हूँ, अपनी जो भी लॉग इन ID और पासवर्ड होता है ना एल्गो क्रैप का, वो डालना है जो आपने रजिस्टर करते वक्त यूज़ किया था, ठीक है। यूज़र की और इंस्ट्रूमेंट की कहाँ से मिलेंगी, दोबारा से हम उसी पर्टिकुलर सिंबल की यूज़र की और इंस्ट्रूमेंट की उठा लेते हैं, ठीक है। ये कॉपी किया मैंने और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे इंस्ट्रूमेंट की हमें कहाँ से मिलेगी, यहीं से मिलेगी। वापस से कॉपी किया इंस्ट्रूमेंट की को और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी इंस्ट्रूमेंट की भी पेस्ट होगी। ऑर्डर आपको किस तरीके से लगाना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, MIS लगाना है MIS, नॉर्मल लगाना है नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे MIS मैंने कर दिया इसको। क्वांटिटी यहाँ पे डालनी है आपको, ठीक है। उस वाले में जो मैनुअल वाला था उसमें क्वांटिटी ऊपर ही ऑप्शन दिया होता, इसमें क्वांटिटी यहीं डालनी होगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं एक क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे एक कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको अप्लाई करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करूँगा, ये इस तरीके से चार्ट बन के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है। अब इसके बाद जो भी कोई सिग्नल आएगा उस पर ट्रेड होगा। अब हम चार्ट को वॉच करते हैं थोड़ी देर और वेट करते हैं नया सिग्नल आने का। जैसे ही कोई नया सिग्नल आएगा फिर हम देखेंगे किस तरीके से हमारा ट्रेड परफॉर्म हुआ ऑटोमेटिकली। अब देखिए ये नीचे जा रहा है, जैसे ही कैंडल क्लोज होगी ना, अगर ये ग्रीन लाइन के नीचे क्लोज होती है तो यहाँ पर ये सिग्नल बना देगा, यहाँ पर एक सिग्नल बना देगा और हमारा ट्रेड भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली सेम टाइम पे। बस हमें वेट करना है कि ये कैंडल जो है वो इस ग्रीन लाइन के नीचे क्लोज होनी चाहिए, जो ग्रीन लाइन सुपर ट्रेंड वाली जो आ रही है। देखो हो गया, सक्सेस ट्रेड भी लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। अब आपने देखा 1 फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ट्रेड हो गया आपका, 1 सेकंड से भी पहले ही ट्रेड हो गया आपका। ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो टाइम है वो क्या है और वहाँ पर क्या टाइम है, ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। अब हमारा ट्रेड हो गया, अब हमें जाके देखना है अपने प्लेटफॉर्म में, ठीक है।
यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप टाटा मोटर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सक्सेस वन क्वान्टिटी लिखा रहा है। अगर आप यहाँ पर क्या नाम है ऑर्डर बुक में भी जाकर देख सकते हो, ऑर्डर बुक में भी आपको ये दिख रहा है सेल, ये दिख रहा होगा आपको सेल, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है इंट्राडे माइनस वन, पोजिशन एक माइनस वन है, ठीक है। अब नया सिग्नल जब आएगा कोई भी, तो ये क्या करेगा, डबल क्वांटिटी में ट्रेड करेगा, पहले तो ये वाली को स्क्वायर ऑफ कर देगा और नई फ्रेश ट्रेड ले लेगा, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। अगर स्टॉप लॉस टारगेट रखते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट भी लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप ऊपर ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पर 414 पे सेल सिग्नल आया, 409 का आपका टारगेट है, 419 का स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई चीज़ भी हिट होती है तो ये आपका ट्रेड करेगा। अभी ये मेरे को आपको दिखाना था किस तरीके से ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करता है। अगर सुपर ट्रेंड पे आप ट्रेड करते हैं तो आप ये वाला प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर लगा सकते हैं, या फिर कोई भी चार्ट यूज़ करते हैं और चाहते हैं कि आपके चार्ट से सिग्नल आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे चला जाए, तो उसके लिए आप MT4 जो ब्रिज इंडिकेटर मैंने दिखाया उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ आपको बेटर समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो और आपको समझ में आई चीज़ें, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कीजिएगा और हमसे पूछेगा, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।